यूपी के बलिया जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ ऐसा हो गया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक नेताजी को देखकर कुछ महिलाएं बागी हो गई। इसके बाद महिलाओं ने नेताजी को पकड़कर उनकी हजामत बना दी। कलेक्ट्रेट परिसर में ही महिलाओं ने नेताजी को पकड़कर धुन दिया, सबके सामने कई थप्पड़ लगाए। जब लोग नेताजी को बचाने पहुंचते, नेताजी की तबीयत से कुटाई हो चुकी थी। नेताजी के पिटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल पूरी घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। बलिया में जिन नेताजी को महिलाओं ने पीटा है, उनका नाम कमलेश कुमार खरवार है। कमलेश खरवार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। महिलाओं का आरोप है कि कमलेश नाम के व्यक्ति ने 10 से 12 लोगों से नौकरी और 45 लोगों से सरकारी आवास दिलाने के नाम पर पैसा लिया। कमलेश ने करीब 10 लाख रुपए थे जो उससे लेने थे। महिलाओं ने बताया कि कमलेश बलिया के कचहरी स्थित गुमटी में रहता है। पैसों को लेकर कमलेश आए दिन टाल बटोल कर रहा था। उसे खोजते खोजते वह काफी परेशान हो गई थी। महिलाओं को कमलेश की कई दिनों से तलाश थी। महिलाओं ने बताया कि उन्हें पता चला कि कमलेश कलेक्ट्रेट परिसर में है तो वहां पहुंच गई। यहां कमलेश को देखते ही वह आग बबूला हो गई और उसकी जमकर पिटाई करती। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है महिलाओं का, वो भी इत्मीनान से सुन लीजिए। 10 लाख रुपया लेना है। कौन कौन लिया है? कमलेश लेना पड़ा। क्या करते हैं ये? एक आदमी है जो कचहरी में रहला, दुकानी में गुमटी में रहला। कहले बा कि हम तोहन लोग के आदमी के, हमरा लड़का के 10-12 आदमी के नौकरी लगावे खातिर ले लेबा। नौकरी लगावे खातिर रुपया हमने का, हमने का अपना घर से 2 लाख रुपया और 45 आदमी से ले लेबा। हमरा भाई से 45 आदमी ले लेबा आवास करावे के, आवास करावे खातिर। तो हम तो हर आवास करा देम हतना आदमी के। रे भैया तू करा दो, पैसा पैसा मैं ले लिया दे ले बड़न। आज ये कहां मिल गया? कचहरी खोजत खोजत पर हमने के पैमाल भइया तो तब एकरा के हेल बनी जा। बाप के हमरा मूर्ख बनात बनावत एकदम हल कल कले बा। काल हमने के घरे 2-4 आदमी 5 आदमी जाके हमने के बेइज्जत कले बा, तो एकरा के कहना बेइज्जत करब जा। तो सुना आपने महिलाओं ने किस तरीके से उनके साथ पैसे लेकर के आवास मिलने के मामले बाकी चीजों पर बताया। लेकिन इसके साथ साथ नेताजी का भी नेताजी के बारे में हम यहां आपको बता देते हैं कि नेताजी का क्या कहना है। दरअसल महिलाओं के हाथ पीटे जाने वाले नेताजी ने बताया कि मैं प्रतिष्ठित नेता हूं, मेरी पहचान आम जन में अलग है, उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बताया कि साजिश के तहत किसी ने इन महिलाओं को उकसाया और उनकी पिटाई कर दी है। महिलाओं द्वारा जो आरोप लगा है वो सारे निराधार है। आप किस खबर पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।